हेलो फ्रेंड्स सो आज uh, इस वीडियो में हम uh, ग्रहण के बारे में देखेंगे कि ट्वेंटी फर्स्ट जून को जो सूर्य ग्रहण आ रहा है सोलार एक्लिप्स है उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं अभी अगर एट प्रेजेंट हम देखे तो uh, बहुत एनर्जी शिफ्ट बहुत हो रहे हैं, uh, अब रेट्रोग्रेट में बहुत सारे प्लानिट्स भी चल रहे हैं और uh, ये ग्रहण भी आ रहा है तो ये साल तो वैसे भी बहुत सारे ग्रहण है ही तो एनर्जीज़ बहुत इंटेंस है ये साल तो जब भी हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो हम इसे सिंपल वे में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो राहु और केतु जैसे निगल जाते हैं सूर्य को तो बहुत ही कष्टकारी समय हो जाता है सूर्य के लिए जैसे चंद्र ग्रहण अगर होता है तो चंद्र का अपना पावर लूज हो जाता है अब जब सूर्य ग्रहण है तो सूर्य का खुद का पावर लूज हो जाता है तो सूर्य को हमें पावरफुल करना पड़ता है तो अगर हम सूर्य का जाप करेंगे सूर्य की पूजा करेंगे सूर्य रिलेटेड अगर हम कुछ करेंगे तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स आएंगे फिर अगर सपोज कुंडली में भी आपका सूर्य कमजोर है तो आपको ज्यादा इफेक्ट आ सकता है स्पेशली जो सिंह राशि है या सिंह लगन वाले लोग हैं तो उनके ऊपर ये ज्यादा इफेक्ट हो सकता है तो उन्हें सूर्य का जाप करना चाहिए तो सूर्य ग्रहण ट्वेंटी फर्स्ट को होने वाला है ये इंडिया में भी दृश्य है सूर्य ग्रहण तो सुबह सवा नौ बजे से दिन सवा तीन बजे तक सूर्य ग्रहण रहने वाला है और जो सूतक होता है मंदिर वगैरह सब बंद हो जाते हैं ये ये सूतक बीस जून से ही लग जाएगा तो ये जो ग्रहण है ये मिथुन राशि में हो रहा है अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखे और अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये ग्रहण कैंसर में हो रहा है सो तो बेस्ट टाइम है ये हीलिंग करने का अपने आप को हील करने का बेस्ट टाइम है अब जब दान करना है आपको आप सूर्य से रिलेटेड जो चीजें हैं जो भी वस्तुएं हैं जो सूर्य से रिलेटेड होती है उनका आप दान कर सकते हो और अगर कोई बीमार है आपके घर पे स्पेशली अगर कोई रोगी है कोई बीमार है तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि महामृत्युंजय का जो मंत्र होता है अगर आप ये टाइम पर करोगे तो बहुत अच्छा होगा तो आप महामृत्युंजय का जाप 108 बार कर सकते हो सूर्य देव को अक्सर हम विष्णु से नारायण से लिंक करते हैं तो आप नारायण का जाप भी कर सकते हो सूर्य स्तोत्र पढ़ सकते हो ओम घृणी सूर्याय नमा सूर्य का जो मंत्र है आप वो भी कर सकते हो जो सूर्य से रिलेटेड वस्तु है ग्रहण समाप्त होने के बाद आप उन वस्तुओं का दान भी कर सकते हो गरीबों को आप दान दे सकते हो बहुत अच्छा होता है ग्रहण के बाद अगर हम दान देते हैं तो और मैं कहूंगी कि जो इस तरह से एनर्जीज इस वक्त चल रही है तो जितना हो सके हम नेगेटिविटी में फीड नहीं करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा न्यूज और ऐसे कुछ न्यूज चैनल्स जो ज्यादा सैडनेस फियर अग्रेशन एंगर ये सारी चीजें अगर प्रमोट कर रहे हैं या ये सारी चीजें आपके अंदर बढ़ा रहे हैं Uh, तो इन सब चीजों से आपको दूर रहना बेटर है जितना हो सके आप अपने आपको वाइट लाइट से प्रोटेक्शन लीजिए अपना वाइब्रेशन हाई रखिए वो सब चीजें कीजिए जो आपको हैप्पी स्टेट में रखता है जो आपको पसंद आता है जो आपको चार्ज करता है वो सब चीजों में अपना टाइम स्पेंड कीजिए जितना हो सके आप मेडिटेशन कीजिए आपको याद दिलाना है अपने को बार बार कि आई एम नॉट दिस माइंड आई एम नॉट दिस बॉडी तो आपको सोल लेवल से चीजें देखनी है एक ऑब्जर्वर के एटीट्यूड से आपको चीजें देखनी है एक ऑब्जर्वर का माइंड रखना है जितना हो सके ये जो ड्रामा चल रहा है वो ड्रामा में आपको अपने आप को नहीं लेकर जाना है तो अगर ये कुछ चीजें आप करोगे तो आप डेफिनेटली ये जो इंटेंस फेस चल रहा है जो इंटेंस वाइब्रेशन है इससे आप इजीली बाहर निकल जाओगे सो आई होप ये आपको हेल्प करेंगे कुछ पॉइंट्स जो मैंने शेयर किए हैं सो थैंक यू नमस्ते